सोनू से अभी निकला हुआ ये बात है, इस बारे में आप जानकारी। रेलवे की भर्ती होने की वजह से हिंदी में बात करनी है ताकि ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंच जाए और रेलवे के अभी नए नए बने हुए मंत्री पहुँच। 2018 में जो बच्चे लोगों ने परीक्षा दी थी उसमें कुछ अधिकतर लोगों को और कुछ टेक्निशियन दी थी, तो उनमें से कुछ बच्चे लोगों की उसमें अभी 398 बच्चे जो लोगों को उनको लिया नहीं गया है और 1298 बच्चे जो उनको भी नहीं दिया गया, इसके बच्चे नहीं दिए। तो ये लोगों की भर्ती अभी जो भर्ती है ये बच्चे लोगों को जब मालूम करा कि गोरखपुर बिलासपुर यहाँ से ये जा रहे हैं, ये बात सुनने के बाद बच्चे लोग लाखे का हमारे उनको मिले थे। सुप्रीमो साहब को मिलने के बाद सुप्रीमो साहब ने हमारे पार्टी के जो नेता देकर रहे थे समय हैं सबके रहे सब हमको बताया क्या चाहिए जनरल मैनेजर सकते और फिर हम लोग आज हमारे अध्यक्ष यहाँ थे पार्टी हमारे पार्टी थे और ये जो बच्चे लोग रहे ये एक अच्छी छात्र बिल्कुल देरी हो चुकी है, देरी रेलवे से हो चुकी है, बिरंगाई रेलवे से हो चुकी है और बिरंगाई और देरी बच्चों लोगों से भी हो चुकी है। अगर ये बच्चे लोग 6 महीना पहला, 1 साल पहला, 1.5 साल पहले हमारे पास आते थे और जल्दी आप रंग देने आते थे, चलो बच्चे लोगों को मालूम उनको भी लगा कि राज ठाकरे के पास जाना है करके अभी 4-5 दिन पहले जा रहे थे, वो आने के बाद तुरंत हमारे हाईकमान को ऑर्डर किया, हम लोग आ गए। मुझे लगता है देर से दुरुस्त अच्छा हो रहा है, बच्चे लोग मेरे नौकरी में लग जाएंगे उसमें हमें खुशी है। मेरे 1-1.5 साल बच्चे लोग को गया है, अभी उसके लिए मैं लड़ाई करूँ या बच्चे लोग को नौकरी पर चढ़ाने के लिए लड़ाई करूँ? मुझे लगता है कि बच्चों को नौकरी पर चढ़ाने के लिए लड़ाई करनी जरूरी, तो ये लड़ाई शुरू हो गई है। मुझे लगता है लड़ाई जनरल मैनेजर साहब को खत्म कर दिए, वो खत्म करेंगे तो हमारी लड़ाई खत्म। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो हम साहब से मिलते हैं उनको वापिस पूरा हफ्ते जो थे बारा नांदोकर साहब, जितेंद्र मार्गी का संजय राय साहब और आपके जो प्रतिनिधि थे सागर कुमार और ये इनका मंजन विक्रम ये भी थे, उन सब ने जो अपना प्रॉब्लम है कि जैसे कि जो आपका विषय था कि ये 398 प्लस जो टेक्नीशियन के वेटिंग में जो मेडिकल हुए कैंडिडेट्स हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उस संदर्भ में बात किया है और पूरे पेपर वगैरह भी उनको हमने लिखा है और जो गोरखपुर से 500 लोग आए थे उनका भी डिटेल बताया है। इन्होंने टेक्नीशियन का जो विषय था 250 में से 145 का इंडेक्स किया है, 105 को अभी और मिलाना है, वो पेपर कहा है, सारी चीजें जेएम साहब को बताया। जेएम साहब ने एग्री किया है कि 8 डेज का टाइम उन्होंने मांगा है, जैसे नांदोकर साहब ने उनको पूछा था कि हम आपको कब आके मिले, तो 8 डेज का टाइम उन्होंने मांगा है कि आप मुझे 8 दिन का समय दीजिए, 8 दिन में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो अभी तो हमारे आपके जो प्रतिनिधि है सागर है विक्रम है ये सब हमारे कांटेक्ट में है लगातार और हम लोग इसका जो फॉलोअप लेना है टाइमली वो लेंगे कि आगे कहाँ तक बात पहुंची, ठीक है? तो इसलिए जो भी है आप इनके साथ टच में रहिए, यहाँ पे जो भी अपडेट रहेगा इनके थ्रू आपके पास पहुंचेगा, ठीक है जी? और किसी को कुछ पूछना है क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन जब 2018 को निकला ना तब से अभी तक का पूरा हिस्ट्री वहां पे हमने बता चुका है। सर तुम ही लगा थोड़ा सा 5 मिनट ब्रीफ करो। मैं आज हम लोग जेएम सर से मिलने के लिए गए थे, आज तक सबको पता है 2 साल से हमें ना सीपीओ मैम और ना कोई मिलने भी दे रहा है ना कोई गेट पे भी खड़ा कर रहा है, पर आज सर और उनकी टीम के चलते आज डायरेक्टली जेएम साहब के साथ हमारा मीटिंग हुआ और जेएम साहब के साथ जो मुद्दे हमने रखे थे
सारे के सारे मुद्दे उनको बताए गए और उन्होंने सुन भी लिए और इन मुद्दों के ऊपर उन्होंने बोला कि 2 या 3 दिन के अंदर हम आपको पूरा का पूरा केस बता देंगे, पर तभी भी हमें 8 दिन का उनको टाइम दिया है सर ने। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे के सारे मुद्दे सुनने के बाद भी उन्होंने रिस्पेक्ट से हमसे बात किया। आप सबको पता है, सबको पता है कि ये लोग हमसे कैसे बात करते थे, मगर आज सर का सपोर्ट के चलते ये लोगों ने आज इतना बात हमसे सुन ली है। आज मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 2 मिनट कहना चाहूँगा कि जो मनसे के जो सारे पदाधिकारी थे साक्षात भगवान की तरह हमारे साथ खड़े रहे और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आइडेंटिफाइन का भी मांग किए कुछ क्या मान लीजिए जिसको जितना टर्मक था उसके लिए आइडेंटिफाइन वगैरह भी कुछ वहाँ मांगते हैं। हाँ, उनको जो अपना इवेंट के लिए डिमांड भी रखा है और जो नॉन टर्मक हमें नहीं दे रहे थे उसके लिए भी हमने बात किया है। जो नॉन टर्मक है प्लस इवेंट है प्लस जो गोरखपुर के जो बंदे हैं जो हमारे यहाँ पे आए हैं वो सारी की सारी बातें जो हमने रखी थी वो सारी की सारी बातें उनको बता दी और उसी दिन में वो पहले तो वो ये कहना चाह रहे थे कि मतलब वो हमके एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये आरआरबी में इतने ये जोन में इतने डिवीजन आते हैं, इसका डिवीजन उसका डिवीजन, लेकिन पूरा सुनने के बाद सागर ने जो उनको एक्सप्लेन किया भूषण था जब उसने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हुआ है तो गोरखपुर के लोगों को क्यों लिया गया है, इन्होंने अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे नॉन इंटेंट डाल के डबल वैकेंसी या नॉन इंटेंट डाल के एक्सेस वैकेंसी था, इसके लिए एक्सेस कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ, फिर इन लोगों को कहा एडजस्ट करने का, तो फिर उनको आरआरबी मुंबई के थ्रू वेस्टर्न रेलवे में और सेंट्रल रेलवे में एडजस्ट करने का कोशिश किया। ठीक है, तो वो बात जो उनके मतलब उनके नजर में लाया है हमने कि ऐसा ऐसा रॉन्ग इंटेंट हैव बीन पुटेड बाय द गोरखपुर आरआरबी, तो वो भी है, वो सारी चीजें पे डिस्कशन अच्छे से हुआ है। अब आप सब लोग नीचे खड़े थे, आपको पता है कि इतने देर अगर मीटिंग चली होगी तो एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है और बकायदा सबको आपके प्रतिनिधियों को भी बोलने का मौका दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पूरा आप लोग ने एग्जाम दिया है सब आपसे भुगता है तो आपको पूरा मालूम है कहीं हमसे एक आध पॉइंट छूट ना जाए, इसके लिए इनको भी पूरा बोलने का मौका दिया गया है और पूरी बातें नोट डाउन किया है, जेल सेक्रेटरी ने भी नोट डाउन किया है और जेल साहब ने भी नोट डाउन किया। ठीक है, धन्यवाद, आप सब ऐसे ही एक साथ रहो तो आपका काम जरूर होगा। ठीक है, और जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलेगा। हम लोग शुरुआत से जब से ये आज आरआरसी है, आरआरसी क्यों हुआ, आरआरसी इसीलिए हुआ कि स्थानीय भूमिपुत्र जो है उनको चांस मिलना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर जॉब में, और वो आरआरसी फॉर्म करने के लिए ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थी उनको मिलने के लिए हमारे अध्यक्ष जी है जितेंद्र पाटिल सर वो खुद गए थे सन्मान्य राजसर कार्तिक जी के आदेश से, उनसे जाकर मिलकर उन्होंने उनको प्रपोजल दिया था और उसके ऊपर डिस्कशन करके बाद में ये आरआरसी फॉर्म हुआ और तब से आरआरसी चल रहा था अभी, लेकिन ये कुछ ये पहला ऐसा नोटिफिकेशन है जो आरआरबी के थ्रू निकला इतना सारा वैकेंसी, तो वो लोग शायद सेंट्रलाइज करना चाहते थे ये सारी चीजों को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो विषय भी रखा है कि जो भी नेक्स्ट वैकेंसी हो वो जोनल आरआरसी के थ्रू ही निकला है, वो भी विषय रखा है। और हम लोग पहले से मतलब कैसे है एक मनसे का स्टाइल है बात से नहीं है बात से मुलाकात से नहीं हुआ तो फिर लाज से वैसा